समंदर के किनारे कारण की नदी के किनारे मरद जोरु बैठो बेमार हती सो बेटा हता सो 17-18 साल उसके मरने के बाद नई शादी कर लेते शरीयत में जाए करने बाद हाँ जाको खड़े रहते दो जने मरद जोरु बैठे रहते जाको बोलता कहते तेरा बेटा था उठा कब मर गया मर को 3-4 साल हुआ बहुत जवान था 17-18 तू कभी भी ईसा ले सवाब नहीं करी क्या तू बैठी कि नहीं तू नए मरद को शादी कर ले तू शौकन कर लेना अभी तू जरा गुस्से में आ बोला उन्हें क्या करे क्या करना सो ईसा ले सवाब करना सो सर को बोली कि नहीं पानी सामने था ग्लास में से उठी कि नहीं एक खाली एक बूंद उठी कि नहीं जा उसके नाम से मैं कर डाली फिर गई पानी का एक खतरा फिर गई इन चले गए जाको खबर में देखे तो आराम से इन्हें पूरा ऐशो आराम से पूछ के क्या होगा देखा तो जरे वक्त पहले तू बड़े आजाब में था अब तो ऐशा आराम में है कैसा होगा बोले नहीं वो मेरी माँ गिर गई नहीं ये खतरा पानी ये खतरा पानी गया कि नहीं भूखे कीड़े के पेट में गए ये कीड़े के पेट में बहुत भूखा था बहुत प्यासा था कीड़ा वो खतरा पड़ते ही जमीन के ऊपर वो कीड़ा पीगा वो कीड़े की दुआ से अल्लाह ताला मुझे बख्शा था बोलने का मतलब क्या देखो सवाब ऐसा है कि मामूली मामूली चीज करे तो भी बहुत बड़ी चीज सुनना गनीमत इतने थे बड़े कामा हमारे हाथ में हौसे पाते मामूली कीड़े मकोड़े हम कुछ कहते भी करवा ले बोले तो परिंदे को चरिंदे को हमारे बीमारियां हमारे परेशानियां ये कर रही तुमने गौसे पाक के सिलसिले में अल्लाह रखो गौसे पाक का काम कराने दिया ना अब इससे बड़ी क्या चीज हो ये ऐसी चीज खुदा की खत्म तुम्हें करे तो 70-70 हज़ार को बख्शा लग जा सकते उसके वास्ते ये जरा पकड़ो और अखीरे से पकड़ो इंशाल्लाह सभी इत्तेफाक से इत्तेहाद से अगर करे तो इंशाल्लाह सिलसिले को आगे बढ़ाने की कोशिश करो और ये आगे बढ़ाना भी कैसा वकील साहब को आपने मोहब्बत मोहब्बत करने के वास्ते क्या दे सकते हैं आए दरूद पढ़े जिक्र कराए सवाब उनके परमानेंट भी होना तो उनके नाम से आगे बढ़ाने के वास्ते सिलसिले मुरीदा भी बनाना और हक के मुरीदा को दिला अब उन्हें जिक्र कराया तो तुम्हारी बैंक में भी अकाउंट उनके पास मिला तभी इतना जा पास जैसना इताद बोलते जैसना मोहब्बत बोलते तुम्हें कहता रहा है तो भी तुम्हारे बाप को तुम्हारे पीर व मुर्शिद के दर्जात की बुलंदी की तुम्हारा ख्याल रहना जब तक तुम्हारा वो ख्याल नहीं खाली यहाँ क्या दुनिया में राइज होना तुम्हें बिल्डिंग को बिल्डिंग लेना पैसे को पैसा तुम्हारा आना तुम्हें जिसे सिलसिला दिखा को तुमने वो तरीका दिखाने वाला उन्हें डाउन हो जाना ये नहीं पहले उन्हें राइज होगा तो खुद ब खुद हमें राइज होगा उसके मकाम की बुलंदी होगी तो खुदा की कसम ऐसा बुलंद मकाम मुरीद करना कि महशर के दिन उनके मकाम ऐसा रहना पूरे मुरीदा गए तो मुरीदा को छोड़ को गैर मुरीदा को भी बख्शा ले वो कैपेसिटी कौन करना मुरीदा तो करना ऐसे दर्जात को अपने पीर गिना कब लाना सो ये नेक यहाँ ये अमल करे तो छोटा सो ये अमल करे तो होता सो ज्यादा से ज्यादा उनके अंदर बोल देनी अकाउंट में जितना पैसा डालते डालो डालते 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 मोदी के अकाउंट में पूरे के पैसे रख लिया अब पूरी इंडिया को बांटता कैसा बांटता बांट रहा सो हमारे पैसे बोलता सो मैं बांट रहा हूँ हाँ से लूट रहा है वहां से बांट रहा कहीं को तो मई देर उसका था नहीं हकीकत में जो भी मुरीद करता है उसके पीर के दर्जे को बुलंद रहती है ऐसे दर्जे बुलंद रहती है ये मकाम ऐसा आता है कि खुदा की कसम उसके जितने मुरीदा ही उन्हें पीर बख्श सकता और खुदा की कसम जो गैर मुरीदा को भी बख्श सकता वो कैपेसिटी को ले ले वो गए तो पीर को खुशी तुम्हें वहाँ गालियाँ दे ले को ये कर ले को वो कर ले तो बर्बादी छोड़ दी मकाम समझो खान खा की इज्जत उसका एहतराम दूसरे ज़मीनों से अफजल खान खा और ये खान खा के अंदर आशुर खान बहुत से आजम दस्तगीर का आलम बहुत जिन्हें क्या है खाली डायरेक्ट आए कि नहीं हाँ मजार को आए हूँ मार को जाए देखो खानून रहता है पहले पंजे तेरे पाप कई को पंजे लगा रही किसके सत्ते में हजरत अब्बास नंबर का करबला में शहीद हुए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झंडा मिला खैबर नहीं जीते 40वें दिन अल्लाह ताला झंडा उतारता रसूल अल्लाह बोलती मैं जिसके हाथ में झंडा देता हूँ उन्हें मेरी दुनिया का भी अलमबरदार आखिरत का भी अलमबरदार कौन भी जीत नहीं सकते मौलाए कायनात के हाथ में झंडा होता झंडा ले लेको वो हारी हुई फौज मौला अली मुश्किल कुशा के पीछे गई तो छोड़ को गई तो नहीं सहाबा बड़े बड़े रहते करोड़पतियां अरबपतियां बहुत बड़े इल्मदारा भी रहते अकेले गए तो चलता नहीं उनका मौला अली के ताबे चले तो खुदा की कसम हारने वाले चीज